पहले तो भारतीय जनता पार्टी ने एक कार्यकर्ता में विश्वास किया है, ये वो निरंतर 50 साल से कार्यकर्ता के रूप में पार्टी में काम कर रहा है, इसलिए मैं केंद्रीय नेतृत्व को बहुत बहुत नमन करता हूँ। और मुद्दे तो हमारे वही हैं जिन मुद्दों को मोदी जी ने उठाया है, उन मुद्दों के आधार पर, राष्ट्रवाद के आधार पर, भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए और गांव, गरीब, किसान और नौजवान, इनके उत्थान और विकास के लिए ये हमारी प्राथमिकताएं होंगी। इसके साथ साथ कानपुर जो स्मार्ट सिटी घोषित हुआ है, उसमें जो योजनाएं हैं, चाहे वो मेट्रो योजना हो चाहे अन्य योजनाएं हो, उन योजनाओं को तुरंत गति से चालू कराना, और जो कानपुर एक औद्योगिक नगरी थी उस औद्योगिक स्वरूप को फिर से पुनर्स्थापित कराना, ये हमारी प्राथमिकता है। यहाँ श्री पिता जायसवाल 2 वर्ष चुनाव जीत चुके हैं, तो आप उनसे लेकिन पिता जायसवाल को मानते हैं? वो गुजरे जमाने की बात कहिए, जब एक रेल चला के उन्होंने डमरू बजा के चुनाव जीत लिया था। आज हम लोगों ने एक नहीं, यहाँ कानपुर से 6-6 रेलें चला दी हैं और कानपुर का विकास किया है। चुनाव नारों से नहीं होता, चुनाव जमीनी हकीकत से होता है, और ये देश की जनता और कानपुर की जनता जान चुकी है कि कांग्रेस ने 59 साल तक जनता को नारों के आधार पर धोखा दिया है, बुलावा किया है और देश के साथ भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी कांग्रेस रही है। चाहे वो कोला घोटाला हो, चाहे वो 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हो, चाहे कॉमन गेम घोटाला हो, और चाहे जो अभी प्लेन सुरक्षा के लिए खरीदे गए थे वो घोटाला हो, सारे घोटालों का पर्दाफाश करने के लिए जरूरी है कि मोदी फिर से प्रधानमंत्री बने, ताकि जो दोषी हैं, भ्रष्टाचारी हैं, वो जेल के अंदर जाएं। तो क्या लगता है कानपुर में एक चौकीदार आ रहा है आपके रूप में, सत्यू पचौड़ी के रूप में चौकीदार आ रहे हैं? हमारे तो सारा कार्यकर्ता चौकीदार है, और देश की जनता को भी मैं निवेदन करूंगा कि वो चौकीदार के रूप में मुस्तैदी से खड़े रहें, ताकि कहीं भी कोई भ्रष्टाचार न हो पाए, कोई भी भ्रष्टाचारी सेन न लगा पाए। क्या लगता है क्या अंतर रहेगा जीत का आपका? ऐतिहासिक जीत होगी, 4 लाख से जीतेंगे। कांग्रेस ने भी 72,000 रुपए राहुल गांधी ने अनाउंस किया है जनता को देने के लिए, जो 8,000 से कम किया है उसको पैसा देंगे। ये एक बुलावा और धोखा है, ये 72,000 रुपया साल का देने का जो कहा है, इसके बदले में हमारी सरकार वैसे ही 1,08,000 रुपए सालाना दे रही है, उसको वो कम कर देंगे। और ये उसी तरह है जैसे इंदिरा गांधी ने 1971 में कहा था कि हम गरीबी हटा देंगे, गरीबी हटी क्या? मनमोहन सिंह ने जब प्रधानमंत्री बने थे तो कहा था कि 100 दिन में हम भ्रष्टाचार समाप्त कर देंगे, भ्रष्टाचार समाप्त हुआ क्या? नहीं हुआ। आज 55 लाख रुपए पूंजी वाला आदमी अपनी जमीन खरीदता और 9 करोड़ में बेचता है, उसकी कांग्रेस ने जांच क्यों नहीं कराई? क्या लगता है आपको कि जिस तरह से संगठन ने आदेश कर दिया जोशी जी कहीं से भी टिकट न लड़े, तो क्या उसमें कहीं कोई भाजपा नाराजगी? कोई नाराजगी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी एक है, एक जन, एक राष्ट्र, एक पार्टी, इस समय एक ही मुद्दा है, आतंकवाद और राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद आए, आतंकवाद समाप्त हो, और जो आतंकवाद के को संरक्षण देने वाले लोग हैं, समाज को बांटने वाले लोग हैं, उनको देश की जनता सबक सिखाएगी। जोशी जी का टिकट करने का फायदा मिल सकता है? चलो भैया, जोशी जी हमारे साथ हैं, उनकी शुभकामनाएं हमारे साथ हैं, वो हमारे चुनाव प्रचार में आएंगे, समझ देंगे।